गवर्नर हाउस जम्मू में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में इन छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रमाण पत्र भी बांटे गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल NN वोहरा और उनकी पत्नी उषा वोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर PDP के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री नईम अख्तर भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों में इनाम बांटकर उनकी हौसला अफजाई की। जम्मू से वक्त इंडिया के लिए राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट ग्रुप हमारा के ऊपर आते हैं, आपकी पार्टी का कितना है? पंचायती इलेक्शन तो होनी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन होगा इंशाल्लाह, जब भी होगा। अभी डेट तय नहीं होगी, लेकिन हो गई है, लेकिन वो तो करनी है। पंचायती इलेक्शन करनी है, बल्दियाती इलेक्शन करनी है, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के, क्योंकि डेमोक्रेसी पे ही सब कुछ है। इससे एम्पावरमेंट हो जाएगा, गांव में पांच पंच बनेंगे, एक पंचायत में उनके पास पावर आ जाएगा, लोगों के पास जो ग्राम पंचायत है उसके पास पावर आ जाएगा। अगर हर एक पंचायत में आजकल 5-5, 10-10 करोड़ रुपये आता है, तो अफसरों के करने के बजाय उन लोगों के पास आएगा कि उनको गांव में क्या करना है, कहां पे गली ठीक करनी है, कहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, कहां पे सफाई करनी है, उनके हाथ में।